पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो नकली नोट बनाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था। थाना गलशहीद पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए लाखों रुपए की जाली करेंसी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी, एक छात्र गैंग नकली नोट बनाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करता है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशक पर थाना गलशहीद पुलिस ने एक टीम बनाकर संगन जांच शुरू कर दी। टीम को जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि असालतपुरा निवासी हाजी महमूद कुरैशी के घर से जाली करेंसी का गैंग संचालित हो रहा है। इस सूचना पर गलशहीद पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए मौके से शान आलम और जफर नाम के दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लाखों रुपए की बनी और अधबनी जाली करेंसी और नोट बनाने में प्रयुक्त होने वाला सामान भी बरामद किया है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि दो अभियुक्तों को भारी मात्रा में जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये लोग 30% के आधार पर नोट चलाते थे। वहीं पूछताछ के दौरान इनके और दो साथियों के नाम सामने आए हैं जो फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किराए के मकान में रहकर और नकली नोट बनाकर लोगों को दे रहे हैं। इस संबंध में पूरी सूचना प्राप्त करके थाना अध्यक्ष गलशहीद द्वारा अपनी टीम के साथ एक घर पर दबिश दी गई, जहाँ पर दो अभियुक्त में नकली नोट बनाने के सभी सामान, प्रिंटर, नकली कागज और लगभग 1.5 लाख रुपये की प्रिंटेड नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किए गए। ये लोग प्रिंटिंग के द्वारा नकली नोट बनाकर और उसको 30% के कमीशन पे चेंज करके, असली नोट से चेंज करके उसको लोगों को देते थे और इस तरह मुनाफा कमाते थे। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ में दो और नाम सामने आए जो कि अभी वांछित चल रहे हैं। लगभग 1.5 लाख रुपये की नकली करेंसी जो है 100 के नए और पुराने नोट उसे बरामद किए। सर, इससे पहले भी इनको कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है, पहले भी ये जो है फर्जीवाड़ा के मुकदमे में गाँव से जेल जा चुके हैं। लेकिन इनका नेटवर्क था, ये लोग जो है दूसरे लोगों को सप्लाई करके मुरादाबाद और आसपास के सभी जनपदों में और सही नोटों के साथ, असली नोट के साथ इसको लगा के और दुकानदार और अन्य लोगों को दे दिया। क्या अभी तक ये लगभग अभी पिछले एक महीने से इस तरह का कार्य जो है संपादित कर रहे थे और लगभग 50,000 रुपये के नकली नोट ये लोग अभी निकाल चुके हैं। किस तरह से ये पकड़ में आ पाए तो के थाना गलशहीद की टीम को जो है वो एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल रही थी, जिस तरह कार्रवाई की।